हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। के सेशन में हम देखने वाले हैं फ्लूइड के बारे में, कुछ बेसिक वेक्टर हम देखने वाले हैं। तो उसको किसके साथ वो डील करता है, क्या उसका वेक्टर है, उसका प्रॉपर्टीज कैसे कैसे निकालते हैं। तो ये जो फ्लूइड है वो वेक्टर होता है प्रेशर, देन वेलोसिटी, देन विस्कोसिटी एंड ऑल्सो डायरेक्शन। तो डायरेक्शन को हम एक्स लेंगे। तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर है, जिसको हम उसकी जो डेफिनेशन है उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ मोशन, कि वो जो एक डिफाइनेट डायरेक्शन है उसमें वो कितने मीटर पर सेकंड वो ट्रैवल करता है, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो उसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर पर सेकंड, और उसकी जो डेफिनेशन है वो है स्पीड ऑफ मोशन, मतलब उसकी कितनी स्पीड है, कितने मीटर पर सेकंड वो जो फ्लूइड है वो ट्रैवल करता है। उसके बाद में जो दूसरा वेक्टर है वो है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हम बेसिक में उसकी जो थिकनेस है उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, जहाँ पर उसके फ्लो होने के लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो यहाँ पर हम सिंपल, उसके बाद में तो उसका फॉर्मूला है मास। मास जो फ्लूइड का जो रेजिस्टेंस है, मतलब वो कितना मास उसमें प्रेजेंट है, तो वो एम इनटू ए, मतलब एक्सेलरेशन। और अगर हम एक्सेलरेशन नहीं देते तो वो ग्रेविटी के बेस पर, तो जहां पर कोई फोर्स नहीं दिया गया वो, तो एफ इज इक्वल टू एम जी। तो जो जी है वो डिनोट फॉर द ग्रेविटी, एंड जो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वो भी हमें फोर्स देगा कि यहां पर जो मास है वो कितना एक्सेलरेट होता है। तो वो एक्सटर्नल प्रेशर इसको कहते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। जनरली जो फ्लूइड है वो उसका जो फ्लो है वो दो टाइप का होता है। तो फर्स्ट जो फ्लो होता है वो होता है स्टैटिक फ्लो, और उसके बाद जो सेकंड टाइप होता है वो होता है डायनेमिक फ्लो। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि ये जो है वो स्टैटिक, मतलब इट डज नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी विद द टाइम। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, तो उसको स्टैटिक बोलते हैं, मतलब उसकी वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। और ये जो डायनेमिक है उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती जाती है, तो उसको डायनेमिक फ्लूइड बोलते हैं। इसलिए जो स्टैटिक फ्लूइड है उसको हमें मेंटेन करना पड़ता है, जबकि डायनेमिक फ्लूइड है वो नेचुरल फोर्सेस के साथ, मतलब कि जो ग्रेविटी है और उसका जो मास है उसके बेसिस पर वो फ्लो करता है, और उसकी ग्रेजुअली इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। तो उसके साथ में हम जो फ्लो है उसको किस तरह से मेजर करें, तो उसके लिए जो फ्लो मेजरिंग डिवाइस है वो है मैनोमीटर। उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैनोमीटर आते हैं, जो है यूट्यूब मैनोमीटर, देन यूट्यूब मैनोमीटर, देन ऑल्सो द इंक्लाइन मैनोमीटर, एंड लास्ट वन दैट इज द डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये जो है वो प्रेशर के डिफरेंस के अकॉर्डिंग वो काम करते हैं। जो ये मैनोमीटर है वो, ये तीन टाइप के मैनोमीटर हुए, जिसको यहाँ पर वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, इन दोनों के साथ
कनेक्ट किया जाता है, और जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसके बेसिस पर यहाँ पर रीडिंग लिए जाते हैं कि उसका स्केल जो है वो कितना है, और उसके साथ में यहाँ पर वो जो प्रेशर डिफरेंस आता है उसके बेसिस पर कैलकुलेशन किया जाता है, जहाँ पर हमें इक्वेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ जो वेलोसिटी है उसमें जो लो डेंसिटी होगी, लो विस्कोसिटी, और जो उसमें वेलोसिटी जिसकी कम होगी तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो ज़्यादा होगा, और अगर वेलोसिटी जिसकी ज़्यादा है मतलब स्पीड ऑफ मोशन जिसका ज़्यादा है तो उसका हमें वेलोसिटी भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है उसका वो कम ऑफर होता है। तो उसके लिए अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर किसी तालाब में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो उसका जो रिएक्शन होगा, जो ऑसिलेशन जो क्रिएट होगा, वो यहाँ पर उसको वाइब के रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो वो जो वाइब्स है जो यहाँ पर वो ट्रांसफर होते हैं एपिसेंटर से उसको दूर जो निकलते हैं तो वो हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम अगर स्लरी है उसको अगर ऑसिलेट करेंगे तो उसका उतना रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर सिंपल वाटर है तो उसमें हमें ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर वो 100 डिग्री उसका बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, तो अगर पेट्रोल और डीजल है तो वो ज़्यादा वोलेटाइल हो गए। तो यहाँ पर हम वोलेटाइलिटी की भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि जो वोलेटाइलिटी है वो होगा कि उसकी कितनी ज़्यादा टेंडेंसी है वेपराइज होने में। तो ज़्यादा जो ठीक है तो उसकी वेपराइजेशन टेंडेंसी कम होगी, मतलब उसको जब हम गर्म करेंगे तो वो इतनी जल्दी से वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उसकी वेपराइजेशन टेंडेंसी कम होगी। तो जैसे कि पेट्रोल और डीजल है उसकी वेपराइजेशन टेंडेंसी एज कंपेयर टू द वाटर उसकी ज़्यादा होगी, तो उसको वोलेटिलिटी बोलते हैं। तो जो थिक मटेरियल है, थिक लिक्विड है, तो उसकी वोलेटिलिटी कम होती है, और अगर लाइट है मतलब जिसकी डेंसिटी और जिसकी विस्कोसिटी कम है तो उसकी वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी। तो आज के लिए उतना ही, थैंक यू सो मच।